हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम, एंड दैट इज यूज़ ऑफ एक्यूमुलेटर्स एंड काउंटर। कि एक्यूमुलेटर्स और काउंटर का हम क्या यूज़ करते हैं एल्गोरिथम में। यूज़ ऑफ एक्यूमुलेटर्स एंड काउंटर्स इन एल्गोरिथम। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेटर का यूज़ क्या होता है। वी कैन यूज़ एन एक्यूमुलेटर इन एन एल्गोरिथम फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टोटल ऑफ ए लिस्ट ऑफ डेटा आइटम। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास कोई लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, से 5, 9, 2, 7, 10, 20, 6, 23, 1, 17, ये कोई हमारे पास लिस्ट दी हुई है नंबर्स की। इसको हमें क्या करना है, इसका हमको सम निकालना है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, इस लिस्ट का हमको सम कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोसेस कैसे होगा वो आप समझिए। कि सबसे पहले हम पिकिंग ए नंबर फ्रॉम द लिस्ट एंड एडिंग टू ए वेरिएबल इनिशियलाइज टू जीरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर उठाएंगे और एक वेरिएबल में हम उसको ऐड कर देंगे। मान लीजिए कोई वेरिएबल हमने लिया इनिशियल में, नाम ही लिया उसका सम, और सम इक्वल टू हमने इनिशियलाइज किया हुआ है जीरो। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पहला नंबर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे तो नेक्स्ट नंबर अब सम उसको इसको 9 को ऐड कर देंगे। किस में, नेक्स्ट में। तो अब ये 5 हो चुका है, 5 प्लस 9 ये 14 हो जाएगा। फिर 14 में हम ऐड कर देंगे 2 तो 16 हो जाएगा। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट नंबर हमारा इसमें नहीं ऐड हो जाता है। ठीक है, जब तक 17 नहीं ऐड हो जाता तब तक हम इसको करेंगे और यहाँ पे हमको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि वी मे यूज वेरिएबल दैट बिगेंस एट जीरो एंड सिस्टमेटिकली प्रोसीड्स टू 1, 2 and 3 and so on till it reaches the end of the list. For every increment in variable C, a number from the list is added to the constants of the variable sum. The variables sum and C are called accumulator and counter. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दो variable लेंगे, एक तो हम लेंगे sum और दूसरा लेंगे C. Sum को हम शुरू में initialize किए रहेंगे 0 और C को भी हम किए रहेंगे से 0. ठीक है, अब क्या होगा, जब हम पहला एलिमेंट यहाँ से लेंगे तो हम मान लीजिए सम को इक्वल टू लिख देंगे सम प्लस ये जो भी हम वेरिएबल को जो भी नाम देंगे, मान लीजिए एक्स देंगे तो हमने एक्स देख दिया, और काउंटर को हम बढ़ा देंगे सी बराबर सी प्लस 1 कर देंगे। तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। यानी पहले राउंड में सी की वैल्यू हो जाएगी 1 पहला नंबर पिक करने के बाद, और सम की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर नेक्स्ट नंबर जब आप प्रिंट उठा पिक करेंगे तो 5 तो ऑलरेडी था ही सम में, 9 हो जाएगा। तो इसको 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 14, और सी की वैल्यू फिर सी प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2। ऐसे ये चलता जाएगा टिल द जितने भी नंबर ऑफ आइटम हैं आपके यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये यूज़ होता है एक्यूमुलेटर्स का और काउंटर का, कंप्यूट करने में कोई वैल्यू और काउंट करने में। ठीक है, अब ये तो हमने आपको रफली बता दिया। अब मान लीजिए इसका एक हम प्रॉपर एल्गोरिथम लिख के एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज कीजिए हमने कहा, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम दैट रीड्स ए लिस्ट ऑफ 50 इंटीजर वैल्यू। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम दैट रीड्स ए लिस्ट ऑफ 50 इंटीजर्स। ठीक है, वैल्यूज एंड प्रिंट्स द टोटल ऑफ द लिस्ट एंड प्रिंट्स द टोटल जो आएगा लिस्ट का वो उसको प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे। ठीक, एक हम
काउंटर यूज करेंगे और एक्यूमुलेटर यूज करेंगे। तो जो दो वेरिएबल आप लेंगे, एक सम लेंगे और एक मान लीजिए हमने कहा कि काउंटर को हम दिखाएंगे सी से, तो इसकी जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो देखिए इसकी एल्गोरिथम ये हो जाएगी एल्गोरिथम, ठीक है। अब स्टेप वन में हमने क्या किया, स्टेप वन में सबसे पहले हमने सम को डिक्लेयर किया, सम इक्वल टू जीरो, इसको इनिशलाइज कर दिया, यानी हमने इनिशलाइज कर दिया किसको, एक्यूमुलेटर को, एक्यूमुलेटर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, स्टेप वन हो गया, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में सी काउंटर को हमने इनिशलाइज कर दिया जीरो, तो हमने लिख दिया इनिशलाइज काउंटर, ठीक। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने कहा कि रीड ए नंबर इन वैल, हमने कहा रीड ए नंबर इन, कोई वेरिएबल हमने लिया वैल्यू के नाम से वैल, इसमें हम नंबर की वैल्यू रीड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। जब आप स्टोर कर लेंगे तो सी को हम बढ़ा देंगे, भाई पहली वैल्यू हमारी हो गई तो सी प्लस वन कर दिया हमने, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, ये देखिए जो जो ऑपरेशन हो रहे हैं इसको हम देखिए रेड से अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या होता जा रहा है। ये इनिशलाइज एक्यूमुलेटर, इनिशलाइज काउंटर, ये हो गया आपका इंक्रीमेंट काउंटर, यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीमेंट काउंटर, यहाँ पे हमने काउंटर बढ़ा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो सम था हमारा उसको पुराने सम में हमने वैल में जो वैल्यू लाए हैं वो ऐड कर दिया, ठीक। अब ये नया सम बन गया, क्लियर। तो अब इसमें क्या हुआ, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेट कर दिया हमने नंबर को किसमें, इन सम नाम के वेरिएबल में, ठीक। अब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। अब सिक्स्थ में हम क्या करेंगे, कंपेयर करिए सी को किससे, और 50 वैल्यू है ना, 50 इंटीजर की वैल्यू दी हुई, सी और 50 को कंपेयर कीजिए, ठीक। सेवेंथ स्टेप में हम क्या करेंगे, इफ सी इज लेस देन, यानी अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, इफ सी इज लेस देन 50 तो रिपीट स्टेप्स 3 to 6, यानी अगर ये सी की वैल्यू 50 से कम है तो फिर से आप फिर वैल्यू लीजिए, काउंटर बढ़ाइए और जोड़ दीजिए सम में। तो ये चीज़ तब तक रिपीट होगी जब तक कि सी की वैल्यू 50 नहीं हो जाती है, और जब 50 हो जाएगी तो फिर ये सातवां नंबर वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। आठवें पे हमने कर दिया प्रिंट सम, यानी जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एल्गोरिथम हमारी ख़त्म हो जाएगी, इसको स्टॉप लिख दीजिए। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी लिस्ट लीजिए, ठीक है, 50 नंबर की लीजिए तो उसको 50 रखिएगा, 10 नंबर की लीजिएगा 10 रखिएगा, 3 नंबर की लीजिएगा 3, जो भी है आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, बिल्कुल आपको 100% परफेक्ट आंसर इसमें मिलेगा, ठीक है। अब कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये तो 50 लिस्ट का बना दिया, अब मान लीजिए हमने कहा कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें क्या है, राइट एन एल्गोरिथम विच कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। क्वेश्चन ये हमारा, राइट एन एल्गोरिथम विच कंप्यूट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल्स ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर के। आगे बस समझ में, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये हुआ राइट एन एल्गोरिथम विच कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट एन मल्टीपल, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 3, ठीक है, तो 3 का फिर 3 × 2 = 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, इसका हमको फर्स्ट
एन मल्टीपल एन टर्म्स तक इसको हमें इस लिस्ट को जोड़ देना है। तो इस लिस्ट को देखिए जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × 1, फिर इसको 3 × 2 प्लस 3 × 3, और ऐसे ही हम इसके 3 × n तक लिख सकते हैं। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका। अब यानी कि हमको इस लिस्ट का सम निकालना है। अब देखिए क्या होगा, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया है, इसका भी सॉल्यूशन वैसा ही होगा, खाली 50 और उसकी जगह n और k आ जाएगा। तो इसका अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम स्टेप 1, सबसे पहले क्या होगा, सम को हमने 0 कर दिया, यानी स्लाइस द एक्युमुलेटर। स्टेप 2, इनिशियलाइज द काउंटर। स्टेप 3, रीड करिए एन को और के को, मतलब किस इंटीजर का मल्टीपल कैलकुलेट करना है सम, और एन मतलब कितने कितनी नंबर्स तक सम करना है। स्टेप 4 में सी इक्वल टू सी प्लस 1। स्टेप 5 में सम इज इक्वल टू सम प्लस सी इंटू के, इंक्रीमेंट कर दिया हमने, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया काउंटर को, और यहाँ पे हमने जनरेट कर दिया 1 × k, 2 × k, 3 × k, ऐसे। फिर हमने क्या किया, कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर सी एंड एन, और अगर सी छोटा है, इफ सी इज लेस देन एन, इफ सी इज लेस देन एन, रिपीट करिए स्टेप कौन से, 4 से 6, स्टेप 4 to 6, यानी ये और ये स्टेप तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक सी एन से छोटा है, और जब बड़ा होगा तो ये 7th स्टेप स्किप हो जाएगा। 8th स्टेप में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद एल्गोरिथम यहाँ पे हम एंड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, कैलकुलेट कीजिए इसी पे स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए इसको आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो एल्गोरिथम डेवलप करने के देखिए यही फायदा है। अगर हम आपसे बात करें कि एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, तो एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम में आप नोट डाउन कर सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, पहला क्या है, पहला हो गया कि इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। चूंकि ये स्टेप वाइज लिखा जाता है इसलिए इसको समझना आसान रहता है। दूसरा क्या है, इट इज इजी टू डिबग, इसमें एरर को रिमूव करना आसान रहता है क्योंकि आप इजीली ढूंढ लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, इसका थर्ड एडवांटेज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एल्गोरिथम अलग चीज होती है जो आप सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, और प्रोग्राम जिसको आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते हैं। तो एल्गोरिथम का किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। आपने एक एल्गोरिथम बना लिया, आप उसको चाहे उस प्रोग्राम को सी में डेवलप कीजिए, सी प्लस प्लस में कीजिए, जावा में कीजिए, ठीक है, और बेसिक में कीजिए, फोर्ट्रॉन में कीजिए, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहें उसको, उस एल्गोरिथम को उस लैंग्वेज में कोडिंग में कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होती है एल्गोरिथम। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट इज कॉम्पेटेबल टू कंप्यूटर्स इन द सेंस दैट ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम कैन बी ईजिली कोडेड इन टू इक्विलेंट हाई लेवल लैंग्वेज। वही जो हम आपको बता रहे थे पॉइंट नंबर 3 में, कि ये कॉम्पेटेबल होता है। कॉम्पेटेबल क्यों होता है, कि भाई एल्गोरिथम कोई मशीन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट है नहीं, तो जो भी स्टेप लिखे हुए हैं एल्गोरिथम में आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये 4 जो है मेन एडवांटेज हो गए। ठीक है, हम इसको ब्रीफली रिपीट कर देते हैं कि सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू डिबग, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कॉम्पेटेबल टू कंप्यूटर, ये 4 मेन एडवांटेज है एल्गोरिथम के। तो आज ये आपका एल्गोरिथम का टॉपिक खत्म हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एल्गोरिथम के स्टेप, और कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपका रह गया हो तो आप मेंशन कीजिए, उस पर मैं लेक्चर बना के डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाली जाएगी तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन
मिल जाएगी। थैंक यू।